नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें, हाथरस में दरिंदगी के शिकार बेटी की 15 दिन बाद के बाद मौत हो गई। आज 19 साल की पीड़िता ने एम्स में दम तोड़ दिया। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में 19 साल की बेटी के साथ चार दबंगों ने गैंग रेप किया और फिर लड़की बोल ना पाए इसलिए उसकी जीभ काट दी। लड़की की हालत इतनी खराब थी कि 9 दिन तक होश नहीं आया। होश आने पर पीड़िता ने जो बताया उसे सुनकर सभी सन्न रह गए। इतनी हैवानियत के बाद भी वो आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए जंग लड़ती रही, लेकिन आज वो ये जंग हार गई। आरोपियों की पहचान गांव के ही रहने वाले संदीप, लवकुश, रामू और रवि के रूप में हुई है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की मौत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मायावती ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सुनवाई की मांग की है, तो प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान भी किया है, तो बेहद दुखद खबर। ये घास लेने गई हुई थी खेत में, तो वहाँ पे साथ में बड़े भाई भी गए हुए थे, मम्मी भी गई हुई थी, तीन लोग थे। तो बड़े भाई घर पे चले आए थे घास डालने, तो ये घास भरने गई हुई थी। तो उन्होंने पहले से जो लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मम्मी और इनमें काफ़ी दूरी हो गई थी, तो इस हिसाब से वहाँ जो लड़के थे उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया और उन्हें इतना मारा पीटा कि उनकी ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। यहाँ गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, मेन रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पैर चलना, हाथ पैर चलना, काम करना बंद कर दिया। और हमारे संवाददाता तंसीम हैदर दिल्ली से और शिवेंद्र लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 15 दिन तक जद्दोजहद होती रही लेकिन ये हालत कर दी थी उस बेटी की कि आखिरी सांस तक वो भले ही जिंदगी की जंग लड़ती रही लेकिन आखिरकार वो जंग हार गई। जी, जो रिपोर्ट सफदरजंग हॉस्पिटल में मैंने देखी है श्वेता, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो इसमें आरोपी हैं उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की थी कि किसी भी हालत में वो लड़की उसकी जान बचने ना पाए। यही वजह है कि इसको बुरी तरह पीटा गया, कई हड्डियां टूटी हैं, सर में चोट के निशान हैं, हाथ पैरों में चोट के निशान थे और उसके अलावा जो जीभ थी वो काट दी गई। यानी कि कोशिश यही थी कि किसी भी हालत में उसकी जान ना बचने पाए, और अभी उसका पोस्टमार्टम चल रहा है, तो जाहिर है पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि और कौन सी इंटरनल पार्ट्स में कहां कहां इंजरीज थी जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई। और सबसे हैरान करने वाली पूरी इस मामले में बात ये नज़र आती है कि जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को छेड़छाड़ माना, उसने छेड़छाड़ में दर्ज किया और जब थोड़ा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने इसको 307 में दर्ज किया अटैम्प्ट टू मर्डर में। जाहिर सी बात है कि कितना लापरवाही भरा ये रवैया है जिसमें कि इतने बड़े केस गैंग रेप के केस को छेड़छाड़ में दर्ज किया गया। बिल्कुल शिवेंद्र, यहाँ पर यही सवाल उठता है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि हमारे देश में आज भी ये स्थिति है कि केस तक दर्ज नहीं होता है इन मामलों में, छेड़छाड़ जैसे तंसीम बता रहे हैं, छेड़छाड़ का मामला पुलिस मान रही थी और 15 दिन बाद आज उस बेटी की क्या हालत हुई, वो जिंदगी को अलविदा कहकर चली गई और उसके बावजूद हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि सरकार हमेशा दावा करती है कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बात हो अपनी तरफ से सरकार का ही महिमा मंडन करने के लिए। तमाम लोग सामने आ जाते हैं कि ये अपराधी तख्ती लटका करके क्षमा मांगता हुआ आ रहा है, तमाम एनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं, तमाम ऐसी सख्ती की जा रही है जिससे कि अपराध ना होने पाए, और दूसरी तरफ इतनी बीभत्स घटना सामने आती है जिसमें चार चार लड़के न सिर्फ गैंगरेप करते हैं बल्कि गवाही न दे पाए, बोल न पाए लड़की, इसके लिए उसकी जीभ तक काट डालते हैं, उसको मारने तक की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो जीवन की जंग अपनी हार जाती है। ऐसे में सरकार सिर्फ मुआवजा देकर के
ये कहने कोशिश करती है कि वो परिवार के साथ है, जो कि सरकार ने कहा कि हम परिवार के लेकर के बड़े संवेदनशील हैं और उनसे लगातार टच में हैं, उनके लिए पैसे दे रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होती है अगर लोकल पुलिसिंग, लोकल पुलिस का डर नहीं है इतना, सामान्य अपराधियों पर नहीं है जो कि गाँवों में रहते हैं, कम उम्र के हैं, जो नए लड़के हैं उन पर अगर दबाव नहीं है, तो बड़े बड़े अपराधियों पर अगर कुछ लगा भी ली सरकार ने तो आखिरकार क्या रहा। और इसी का नतीजा है कि इस लड़की को चार लड़कों ने बिल्कुल दुर्दांत तरीके से गैंगरेप का शिकार बनाया और उसके बाद उसको जान से मारने की कोशिश की, और वो भी तब जबकि वो अपने परिवार के साथ गई हुई थी, अकेले नहीं थी। और वहां पर इनकी हिम्मत देखिए कि उसकी जीभ काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी और पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की। 14 दिन तक 15 दिन तक वो जान बचाने के लिए अस्पताल में लड़ती रही और अब मारी गई। ये जो कि जो भी पुलिस और सरकार अब बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। तंसीम और शिवेंद्र आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच राजनीति अपने चरम पर है, यहाँ पर बयानबाजी शुरू हो गई है और हर